मामला ये है, ये लोग जो मृत हैं, एक लोग, दो लोग गंभीर हैं, वो लोग मेरे गांव से हैं। ये लोग आगे से आ रहे थे, इस तरह से मैं उनके सामने से आ रहा था। सामने से जो बस आ रही थी सर, इसका ड्राइवर पूरी तरीके नशे में था, बस को पूरे रोड पे लहराते हुए ला रहा था। जब इसने एक्सीडेंट किया है तो हम लोग यहाँ से मतलब 100 मीटर दूरी पे थे हम पीछे, तो उसमें जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है तो मौके पे सब लोग गंभीर हो गए थे। हम जब तक वहाँ पहुँचे हैं तब तक बस से सारी सवारियाँ उतर के भागने लगी थी। ड्राइवर पूरी तरीके से नशे में था, जो बस से कूद के भागा, फिर गिर गया, फिर भागा, फिर झाड़ियों में छुप के किधर चला गया हमने नहीं देखा। करिए, एक बारात की बस थी, उससे मोटरसाइकिल पे 3 जो सवारी थी उनसे दुर्घटना होकर वो दो तो मौके पर एक्सपायर हो गई, एक अस्पताल में है, गंभीर रूप से घायल है। तो इन्हें जो इनके नाम जमीन होगी तो इन्हें किसान सरहित बीमा दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत 30,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। और भी जो मदद होगी, अगर इनके जमीन कम है तो सरकारी भूमि का इन्हें ग्राम समाज भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा और जो भी और मदद होगी वो भी इन्हें दी जाएगी। इसकी जाँच कराई जाएगी और जो संबंधित जो ARTO है वहाँ रिपोर्ट भेज दी जाएगी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई।